हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के कासिद। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत के फरिश्ते हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से गहरी दोस्ती थी। एक दिन जब मलकुल मौत आए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, कैसे आए हो, मुलाकात के लिए या रूह कब्ज करने के लिए? मलकुल मौत ने जवाब दिया, मुलाकात के लिए आया हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे आपसे एक खास बात कहनी है कि जब मेरा वक्त वफात करीब आए तो मुझे पहले बता देना, यानी मुझे कासिद के जरिए खबर दे देना। चनाचा मलकुल मौत ने वादा किया कि मौत से पहले कासिद रवाना करूँगा। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम खुद आ गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने तो वादा किया था कि मैं पहले कासिद भेज दूंगा, लेकिन आप खुद आ गए। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने कासिद रवाना किए थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन से कासिद आपने भेजे थे? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला कासिद ये था कि आपके सह बाल सफेद हुए, फिर दूसरा कासिद के बदन से चुस्ती और तवानाई खत्म हुई, और तीसरा कासिद ये कि आपका बदन झुक गया और मेरे तीनों कासिद आपके पास नहीं आए। इसी तरह हर इंसान के पास कोई ना कोई निशानी जरूर भेजी जाती है, लेकिन गफलत की बिना पर इंसान इन निशानियों पर गौर नहीं करता। अल्लाह पाक हम सबको अपनी कब्रे हशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।